हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुड्स गार्ड के एक टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम होता क्या है, उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ जानेंगे कि ब्रेक पाइप क्या है, फीड पाइप क्या है, नोक ये क्या होते हैं, इन सबों से रिलेटेड हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एयर ब्रेक सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, किसी भी व्हीकल को, खास करके रेलवे में डिस्कस किया जाए, चर्चा किया जाए, तो रेलवे की फैसिलिटी को, ट्रेन के वैगन कैपेसिटी को, कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह सिस्टम लाया गया है। कौन सा? एयर ब्रेक सिस्टम। तो कहता है द ब्रेक सिस्टम इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिलेंडर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड एयर ब्रेक सिस्टम। कहता है द ब्रेक सिस्टम इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड, कहता है कि वैसा ब्रेक सिस्टम जिसमें कंप्रेस्ड एयर जो है यूज किया जाता हो उसके ब्रेक सिलेंडर में, ताकि जो है क्या किया जा सके, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ताकि जो है ब्रेक को लगाया जा सके, इसी को हम लोग एयर ब्रेक सिस्टम कहते हैं। फिर से एक बार समझाते हैं। कहता है एयर ब्रेक सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड एयर को ब्रेक सिलेंडर में यूज किया जाता है ताकि जो है ब्रेक को लगाया जा सके, तो इसीलिए इसका नाम एयर ब्रेक सिस्टम होता है। ठीक है, तो वही लिखे हैं द ब्रेक सिस्टम इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड इन द ब्रेक सिलेंडर फॉर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड एयर ब्रेक सिस्टम। ये जो एयर ब्रेक सिस्टम होते हैं इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं। आइए इसको बारी बारी से देखते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारे वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। पहला है ब्रेक पाइप। पहला क्या है? ब्रेक पाइप। तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि ब्रेक पाइप का कलर कैसा होता है, ब्रेक पाइप का जो है वो एयर प्रेशर वो कितना मेंटेन करता है। ठीक है ना, तो ब्रेक पाइप का जो कलर होता है वह ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। ब्रेक पाइप जो होता है वो किस तरह का होता है? हरे रंग का होता है। तो वही लिखे है कलर ग्रीन आयरन पाइप थ्रू आउट द रोलिंग स्टॉक। इसमें जो कंप्रेस्ड जो एयर होता है ब्रेक पाइप में वो 5 kg/cm² होता है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेक पाइप में जो है कंप्रेस्ड एयर कितना होता है, तो 5 kg/cm² होता है। वही अगर देखा जाए तो ब्रेक पाइप का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, अगर बैगन का अगर डायमीटर देखना हो तो उसमें जो है 32 mm होता है। अगर वही कोच का देखा जाए तो 25 mm होता है। कहने का मतलब है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दें, ब्रेक पाइप का जो रंग होता है वह ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। इसका जो कंप्रेस्ड एयर होगा ब्रेक पाइप का वो 5 kg/cm² होता है, और बैगन में जिसका डायमीटर होगा वो 32 mm का होता है, वहीं कोच में देखा जाए तो 25 mm का होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फीड पाइप क्या होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फीड पाइप का कलर किस तरह का होता है। तो फीड पाइप का जो कलर होता है वह व्हाइट कलर होता है, उजला रंग होता है। फीड पाइप का जो कलर होता है वह व्हाइट कलर होता है। ठीक है, और यह क्या होता है, व्हाइट कलर पाइप फिटेड इन ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन्स एंड कोचेज। यह जो होता है ना ट्विन पाइप में, ट्विन का मतलब होता है जोड़ा, डबल, वो पाइप में यह जुड़ा होता है, लगा होता है। कौन? फीड पाइप। अब इसका जो कंप्रेस्ड एयर होता है जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर में भरा जाता है वो 6 kg/cm² होता है। मतलब फीड पाइप का जो कंप्रेस्ड एयर होता है वह 6 kg/cm² होता है। तो देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। पूछ दिया जाता है ब्रेक पाइप का कलर क्या है, ब्रेक पाइप का कंप्रेस्ड एयर कितना होता है, फीड पाइप का कलर कौन सा होता है, फीड पाइप का कंप्रेस्ड एयर कितना होता है। ठीक है ना, आइए कुछ और जो है एयर ब्रेक सिस्टम के पार्ट्स को देखते हैं। अब है एंकल कॉक। एंकल कॉक क्या होता है? लिख रहा है स्पेशल वाल्व फिटेड ऑन बोथ एंड ऑफ द रोलिंग स्टॉक। कहता है एंकल कॉक जो है एक स्पेशल वाल्व होता है जो दोनों साइड में,
जो दोनों साइड में जो है रोलिंग स्टॉक के लगा होता है, प्रोवाइडेड विद स्पेशल वेंट होल एट द बॉटम। कहने का मतलब है एंकल कॉक जो होता है रोलिंग स्टॉक के दोनों साइड में लगा होता है और उसमें नीचे की तरफ जो है एक होल रहता है, ठीक है। कहता है फॉर सेफ डिस्कनेक्शन ऑफ एयर होस इन बिटवीन टू वैगन्स बोथ द एंगल कॉक्स शुड बी क्लोज्ड टू रिमूव द डेंजरस एयर थ्रू द वेंट प्रोविजन। कहता है सेफ डिस्कनेक्शन के लिए जो है ना क्या होता है, एयर होस के सेफ डिस्कनेक्शन के लिए दो वैगन के एंकल कॉक के बीच में, एंकल कॉक के बीच में क्या होता है, ये एंकल कॉक को जो है दो वैगनों के बीच में एंकल कॉक क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है ताकि जो डेंजरस जो हवा हो उसको जो है जो वेंट दिया है उसके द्वारा जो है बाहर निकाला जा सके। अगला है एयर होस। कहता है फ्लेक्सिबल रबर होस फॉर कनेक्शन विद द एडजेसेंट रोलिंग स्टॉक। कहता है यह एक फ्लेक्सिबल रबर होस होता है जो है ना एडजेसेंट रोलिंग स्टॉक को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ए पाम एंड कपलर विद एम्यू रबर वाशर इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ द एयर होस। बोथ बीपी एंड एफपी कपलर आर डिफरेंट ड्यू टू आरएच और एलएच डिजाइन। कहता है एयर होस के जो फीड पाइप होते हैं या ये ब्रेक पाइप होते हैं उसका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कपलर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्यों, उसके आरएच और एलएच डिजाइन के कारण। आइए जो है कुछ और इसके बारे में देखते हैं। अब आइए देखते हैं ऑक्सिलियरी रिजर्वायर क्या होता है। तो कहता है कि ऑक्सिलियरी जो रिजर्वायर होता है एयर इज स्टोर्ड इन दिस रिजर्वायर। कहता है ऑक्सिलियरी जो रिजर्वायर है इसमें एयर स्टोर होता है फॉर यूज ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। और यह इसका उपयोग कहाँ होता है, जब ब्रेक लगाया जाता है उस समय इस ऑक्सिलियरी रिजर्वायर के एयर का यूज होता है। इट्स कैपेसिटी इज 200 लीटर फॉर कोच। कहता है कोच के लिए जो इस ऑक्सिलियरी रिजर्वायर का जो कैपेसिटी है क्षमता है वो 200 लीटर का है। वैगन अगर होगा तो उसके लिए 100 लीटर का होता है, अगर वही ब्रेक वैन है तो उसके लिए 75 लीटर का इसका कैपेसिटी होता है। कहने का मतलब है कि ऑक्सिलियरी जो रिजर्वायर होते हैं उसमें हवा को रखा जाता है, उसका जो क्षमता होता है वो 200 लीटर का होता है, उसमें 200 लीटर तक एयर को रखा जा सकता है। अगर वैगन के लिए देखा जाए तो इसमें 100 लीटर होते हैं और ब्रेक वैन के लिए देखा जाए तो 75 लीटर होते हैं और 200 जो लीटर होता है वो कोच के लिए होता है, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सर कंट्रोन एलडीसी क्लासेस में हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कमिंग वीडियो में भी जो है इसके कंपोनेंट को ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।